गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने किया था सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आज का अपना टॉपिक है सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कहता है टू सेल्स को हम पैरेलल में कह देंगे। कब कह देंगे हम टू सेल्स को पैरेलल में? अगर उन सब का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, उनका नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, तो हम क्या कह देंगे? सेल्स किस में? हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या कहें हम? जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल कनेक्टेड टू वन पॉइंट, व्हेन, ये हमने लिया बेटा दो सेल। फर्स्ट सेल है ई वन, इंटरलेसेंस आर वन। अनदर सेल है ई टू, इंटरलेसेंस आर टू। ये कहता है अगर इन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, तो हमारे सेल किस में आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। इस पॉइंट को क्या बोल दिया हमने? ए। ये पॉइंट क्या है हमारे पास? क्या नाम दे दिया हमने इसको? बी। तो हम क्या कहें कि हमारा करंट कितना है इस ब्रांच में? आई वन। पॉजिटिव साउथ साइड का करंट ये कितना? आई टू। और टोटल करंट कितना हो गया? आई। टोटल करंट कितना हो गया हमारा? आई। तो जब दोनों सेल्स का, ईच सेल का कितने भी ऊंचाई, अगर सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम? सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज कनेक्ट टू वन पॉइंट, एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट टू अनदर पॉइंट, ऑफ ईच सेल, देन सेल्स आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब हम क्या कहेंगे बेटा? हमारे सेल्स किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एंड टोटल करंट आई हमारा किसके इक्वल होगा? देखो एक बार, बी पॉइंट से हमारे टोटल करंट कितना एंटर हुआ? आई। फर्स्ट सेल में कितना चला गया? आई वन। सेकेंड सेल में कितना गया? आई टू। फर्स्ट सेल में हमारा करंट कितना हो गया? आई वन। सेकेंड में कितना गया हमारा? आई टू। अब ये दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, ए और बी, तो चाहे फर्स्ट पाथ से आए हम या सेकंड से आए, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम, फाइनल पॉइंट सेम, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। कि फर्स्ट पाथ से भी पोटेंशियल, सेकंड का पाथ का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। चाहे वी वन ले लें हम, चाहे वी टू ले लें, लेकिन करंट हमारा क्या हो रहा है? ब्रांचिंग में जा रहा है। तो टोटल करंट आई कितना हो जाएगा बेटा? आई वन प्लस आई टू। टोटल करंट आई कितना हो जाएगा? आई वन प्लस आई टू। वही पॉइंट जैसे हमने पहले किया था कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। याद रख लेना इसको, पॉइंट को। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस है हमेशा क्या रहता है? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है हमारा? सेम। और सीरीज में फ्लो ऑफ करंट क्या रहता है? सेम। फ्लो ऑफ करंट क्या रहता है बेटा? सेम। पैरेलल में क्या रहता है हमारा? पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। हमें इस कॉम्बिनेशन के सेल्स को क्या करना है? स्टडी करना है। हमें इनका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट ईएमएफ। और क्या निकालना हमें इसका? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है कि भी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो बेटा, हम स्टडी करते हैं इनको। एक बार फिर से बना रही हूँ सबसे पहले मैं डायग्राम कि टू सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए पॉइंट से हमने दो पाथ ले लिए, तो दोनों पाथ किस में हो गए हमारे? पैरेलल में। किस में आ गए दोनों सेल? पैरेलल में। साथ साथ चले ना हमारे, ये दोनों का क्या होगा बेटा? फाइनल टर्मिनल। ये दोनों का क्या हो गया? फाइनल टर्मिनल। बी सेल का ईएमएफ कितना है? ई वन। इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन। इस सेल का ईएमएफ कितना हो गया? ए टू। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर टू। लेट टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। टोटल करंट कितना एंटर किया सेल के अंदर? आई। अरेंजमेंट भी तक करंट किया आई। इस पॉइंट पे आई आते कि सामने क्या होगी? ब्रांचिंग। तो कितना करंट गया फर्स्ट ब्रांच में हमारा? आई वन।
सेकेंड ब्रांच में कितना करंट गया आई टू, फर्स्ट शेल के थ्रू कितना करंट फ्लो किया आई टू, इंटरनल लेट सेंस में कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगी ड्रॉप, और हमारा करंट कितना पहुंचा ए इलेक्ट्रोड तक आई टू। सिमिलरली फर्स्ट सेल में कितना है आई वन, ड्यू टू इंटरनल लेट कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगी ड्रॉप, और टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा वी, और हमारा करंट कितना आया आई वन, और आई वन प्लस आई टू वापस कितना हो जाएंगे आई। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या कहा टोटल करंट कितना हमारा आई, आई वन प्लस आई टू। हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। लेट मैंने फर्स्ट लिया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ फर्स्ट शेल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल का हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बेटा? हम हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जनरल इक्वेशन होती है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। क्या होती है हमारी जनरल इक्वेशन V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। फर्स्ट शेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना कंसिडर किया हमने V1। फर्स्ट शेल का ईएमएफ कितना है ई वन माइनस, फर्स्ट शेल में करंट कितना इंटर कर रहा है आई वन, और फर्स्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर वन। क्लियर सबका? फर्स्ट शेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी वन, ईएमएफ ई वन, करंट आई वन, इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन। सेकेंड शेल की अगर मैं बात करूँ, अब इसी पॉइंट पर मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ कि शेल वन का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी ऑफ ए बी, या अक्रॉस शेल सेकेंड वी ऑफ ए बी, दोनों के इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या है सेम, तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा हमारा सेम, कि पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी चाहे हम फर्स्ट का लें चाहे हम सेकेंड शेल के लिए लें वो क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। कितना रहेगा वो वी रहेगा, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है सेम रहता है। तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते थे V1 की जगह पे क्या लिख दिया हमने V, V1 की जगह पे क्या लिख दिया V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 इंटू में R1। फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन करंट I1, यानी कि I1 R1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V, I1 R1 इधर आके किसका हो गया प्लस का और V इधर जाके किसका हो गया माइनस का। I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन आर वन। हमने किसकी वैल्यू निकाल दी बेटा आई वन की वैल्यू निकाल दी कि आई वन इज इक्वल्स टू ई वन माइनस वी अपॉन आर वन, सबको निकालना आ गया। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंड शेल कितना होगा वी टू, वो वी टू किसके इक्वल है वी के ही इक्वल है। सेकेंड शेल के लिए कितना हो जाएगा E2 माइनस I2 इंटू में R2। क्या है हमारे पास वही इक्वेशन V इज इक्वल्स टू E की जगह पे E2 माइनस I की जगह पे I2, R की जगह पे R2। सो V इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 इंटू में R2। सिमिलरली अगर मैं लिखूं तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिली I2 की, I2 कितना आ गया हमारे पास इसके सिमिलर लिख रही हूँ मैं सीधा E2 माइनस V अपॉन R2। I2 कितना आ गया बेटा हमारा E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर बेटा? एज वी नो दैट हमें पता है कि टोटल करंट I, टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। टोटल करंट क्या होता है हमारे पास I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। हम कर दें सोल्व I इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बेटा I1 की वैल्यू कितनी आई, I1 की वैल्यू करंट अक्रॉस फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट सेल E1 माइनस V अपॉन R1। मैंने R1 को अलग अलग करके लिख दिया R1 माइनस R1, होगा क्लियर सबका। प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन R2, अपॉन R2 माइनस R2। सबको क्लियर हो गया? I में I1 और I2 की वैल्यू पुट करवा दी। क्लियर है? R1 R2 क्या ले रहे हैं हम एलसीएम, I इज इक्वल्स टू मैं R1 R2 क्या ले रही हूँ इसमें एलसीएम। हमने R1 R2 एलसीएम लिया,
क्या लिया मैंने एलसीएम, आर वन आर टू, आर वन आर वन कैंसिल, कितना आया ई वन आर टू, क्या आया हमारे पास ई वन आर टू माइनस वी आर टू माइनस वी आर टू प्लस ई टू आर वन, आर टू है नीचे, ई टू आर वन माइनस वी इंटू में आर वन, सबका क्लियर। आई इज इक्वल्स टू, आई को हमने यहीं पे छोड़ा, क्या आया हमारे पास ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस वी, बाहर कॉमन इन दोनों टर्म्स में से, माइनस वी कॉमन लेते आर टू प्लस आर वन, यानी कि आर वन प्लस आर टू अपॉन में क्या है हमारे पास आर वन आर टू, आर वन आर टू को हमने इधर भेज दिया, क्या है हमारे पास आई आर वन आर टू इज इक्वल्स टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस वी इंटू में आर वन प्लस आर टू, क्लियर बेटा। ये कहता हमें सिर्फ यही इक्वेशन बनाने वापस, वी इज इक्वल्स टू, हमें वही इक्वेशन बनाने वापस, वी इज इक्वल्स टू ए माइनस आई आर, तो सिर्फ वी को रखना है, मैं इस वी को इधर ले आऊँ, क्या आ गया हमारे पास वी इंटू में आर वन प्लस आर टू, इधर माइनस की थे टर्म पूरी, इधर आके किसकी हो गई प्लस की, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस आई इंटू में आर वन आर टू, आई इंटू में आर वन आर टू, वी के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई, में तो सिर्फ वी चाहिए, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी हमारी डिवाइड, क्या आया ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस आई इंटू में आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, क्या लिख दिया बेटा मैंने वी वी इज इक्वल्स टू, क्या थी फर्स्ट टर्म हमारी ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस आई आर वन आर टू, यहाँ पे क्या था वी के साथ में आर वन प्लस आर टू, तो इधर आके आर वन प्लस आर टू क्या हो जाएगा डिवाइड, आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करवाऊँ किसके साथ, वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू में आर, तो हमारे पास ये टर्म तो क्या बन जाएगी, ये टर्म क्या बन जाएगी इक्विवेलेंट, क्या बन जाएगी इक्विवेलेंट, आई एज इट इज, ये टर्म क्या बन जाएगी आर इक्विवेलेंट, ये टर्म क्या बन जाएगी आर इक्विवेलेंट, तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई बेटा, शेल्स के लिए हमें ई इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई पैरेलल के लिए, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बन गई मिल गई हमें। सो कंपेयर करवा दूं मैं दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, क्या मिल गया हमें ई इक्विवेलेंट, क्या मिल गया हमें इक्विवेलेंट, एंड आर इक्विवेलेंट, एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। देखो बेटा एक बार, क्या ये हमारा जो सिंपली आर पैरेलल में होता है वही नहीं आ गया, वही नहीं आ गया जो हमारा सिंपल आर पैरेलल में होता है, और ई इक्विवेलेंट कितना है ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो हमने दोनों निकाल दिए, पैरेलल के लिए ई इक्विवेलेंट भी निकाल दिया और पैरेलल के लिए हमने आर इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर दिया। तो अगर आपको सिंपली ये कहे कि भी हमारे पैरेलल के अंदर आपको आर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो पैरेलल के लिए वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर टू, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, हमें स्टार लगा रही हूँ बेटा मैं इसमें, स्पेशल कर रही हूँ पॉइंट। देखो एक बार, अगर आपको ये कह दिया जाए भी सिंपली हम सीधा सीधा अरेंजमेंट लें कि ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट तो क्या कहूँगी मैं एन के लिए, अगर आ जाए इफ इफ देयर आर, इफ देयर आर एन शेल्स, एन शेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास पैरेलल के लिए? पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/rn। निकाल दिया हमने पैरेलल के लिए आर इंटरलेसेंस का इक्विवेलेंट। एंड अगर ई इक्विवेलेंट निकालना हो तो ई इक्विवेलेंट अकेला निकलता, साथ में क्या होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू e1/r1 प्लस e2/r2 प्लस e3/r3 एंड सो ऑन en/rn। हमें दोनों निकाल दी ना, किसी पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट तो कैसे निकल जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। और इक्विवेलेंट निकालना तो कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू e1/r1 प्लस e2/r2 प्लस e3/r3 एंड सो ऑन। अगर सिर्फ e चाहिए तो ये सारा सोल्व करके हम आर इक्विवेलेंट को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट चलते हैं। लेट्स सपोज किया हमने शेल्स आर, क्या मान लिया हमने, आइडेंटिकल हैं सारे शेल्स, कैसे हमारे आइडेंटिकल है, हमने टू शेल्स लिए, देर आर टू आइडेंटिकल शेल्स, देर आर टू आइडेंटिकल शेल्स, टू आइडेंटिकल शेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो शेल्स हैं हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए दो शेल्स के लिए कितना आया था, e1r2 प्लस e2r1 अपॉन r1 प्लस r2। अगर शेल्स कैसे हैं आइडेंटिकल, सो e1 इज इक्वल टू e2 इज इक्वल टू e, e1 e2 दोनों इक्वल कितने हैं e, एंड r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, r1 r2 दोनों क्या हैं, किसके इक्वल है, r के इक्वल। तो क्या आ गया हमारे पास, er plus er अपॉन आर प्लस आर, टू ई आर अपॉन टू आर, टू से टू आर से आर कैंसिल, सो ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया बेटा, ई के इक्वल आ गया। कि अगर हमारे दो आइडेंटिकल शेल पैरेलल में है तो भी उनका ई इक्विवेलेंट एक शेल की ईएमएफ के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या कहा हमने यहाँ से, एन आइडेंटिकल शेल से क्या पॉइंट मिला हमें यहाँ से, इफ Identical shells in parallel combination, then their equivalent EMF is equals to E, that is E equivalent is equal to EMF of one shell. चाहे कितने भी हो पैरेलल में, E equivalent एक शेल की EMF के क्या आ जाएगी, हमारी इक्वल आ जाएगी, E equivalent is equals to E. क्लियर बेटा। अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस की, सेकंड पॉइंट देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/r equivalent, कितना होगा 1/r1 प्लस 1/r2, दैट इज क्या आ जाएगा 1/r प्लस 1/r, दैट इज 2/r, सो r इक्विवेलेंट कितना आया r/2, भी r इक्विवेलेंट कितना आया r/2, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, जैसे r इक्विवेलेंट ऑफ n शेल्स इन पैरेलल इज इक्वल्स टू r/n, किसके इक्वल होगा वो, r/n के हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। कि पैरेलल में अगर n है और सारे क्या इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा वो, n इक्विवेलेंट के r/n के इक्वल। इससे से बेटा हम पैरेलल में कैलकुलेट करते हैं, क्लियर हुआ। ये कहता है अगर सपोज करो हम बात करते हैं कि एक सिंपली हम क्या कहें, e इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ शेल्स ऑफ इक्वल EMF इज इक्वल्स टू EMF ऑफ वन शेल, सिर्फ किसकी इक्वल होगी, EMF ऑफ वन शेल के इक्वल होगी। क्यों होती है ऐसा, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन सिर्फ क्या इंक्रीज करता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज करेगा, उसका इफेक्टिव EMF इंक्रीज नहीं करेगा। रिपीट करियो मैं क्या कलाइन कही मैंने, कि अगर हम n शेल्स को पैरेलल में ले लें
कि इस तरह से हम एन सेल्स को अगर हम पैरेलल में ले लें तो सिर्फ वो क्या करेगा हमारे कॉम्बिनेशन का, सिर्फ हमारे कॉम्बिनेशन का क्या करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। सारे किसके थे, ई के ही थे, तो हमारा ई इक्विवेलेंट सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल रहेगा, एक शेल के एमएफ के इक्वल रहेगा। सिर्फ क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोड का। देखो एक बार इलेक्ट्रोड का, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का साइज, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का साइज इंक्रीज हो गया, ईएमएफ इंक्रीज नहीं होगी। क्लियर बेटा, सबका क्लियर है? लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस उनका, वो क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ये होता ना हमारे पास। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा, कितना बन जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर बाई एन। वो क्या हो जाएगा, आर बाई एन, किसके लिए बेटा हमारा, अगर हमारे शेल्स किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर, इस तरह से आपको ये सोल्व करने हैं। अगर आपको तीन शेल्स दे रखे, तभी मैंने आपको निकलवाया था कि एन के लिए हमारा ई इक्विवेलेंट कितना होगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू प्लस ई थ्री अपॉन आर थ्री। अगर आपके पास तीन हो तो अब इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बेटा, हम सीधा सीधा निकाल देंगे। सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। अब ये वन अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन। तो एक तरह से क्या आया है हमारे पास, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू प्लस ई थ्री अपॉन आर थ्री, ये है ना हमारा। और ये क्या है हमारे यहाँ पे, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इधर क्या है हमारा, डिवाइड वन अपॉन आर इक्विवेलेंट है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, एक तरह से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये हमारा डिवाइड में, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। मैंने यहाँ सीधा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दी, क्या थी वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इस तरह से आप इनको सोल्व करोगे। क्लियर बेटा, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू, या सीधा आप ये कर सकते हो, पहले ये लिख लो बेटा और वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इंडिविजुअली निकाल के उसका इधर जाके क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से आपको ये सोल्व करने हैं।